मैं और बेटी जी अब जा रहे हैं अस्पताल वाली साइड पे, आपको वहां का टूर दे रहे हैं। चलो बेटा चलें। चल 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 चल। दौलत राम जी बंद करोगे? बंद कर दो, बंद कर दो। ये डर रही है ना। हो गया हो गया हो गया हो गया। तो ये जो मेरे पीछे है, ये इस समय अस्पताल की एंट्रेंस है। इस समय छत का यहाँ पे काम चल रहा है और गुरु के पीछे, गुरु एक भाई कैमरा घुमाओगे तो यहाँ पे हमारा काउशेड बनेगा। इसकी मार्किंग हो गई है, बस अब इसकी नींव का काम बहुत ही जल्द चालू हो जाएगा। दौलत राम जी आप इसको पकड़ेंगे तो मैं अंदर का टूर भी दे देता हूँ। बेटी जी, बेटी जी तो इस समय रखी है बिगड़ल। मैं आपको अंदर के सारे विंग्स दिखाता हूँ। तो एंट्रेंस हमने इसलिए बड़ी रखी कि भाई कोई जो गाय है उसको हॉर्स पे भी लाना ले जाना है, दो गाय भी इकट्ठी आ रही हैं तो आसानी से आ जाएं। घुसते ही हमारा वेटिंग एरिया रहेगा और ये दो विंग्स में विभाजित है। उधर जो है गाय का ट्रीटमेंट रहेगा, लार्ज एनिमल्स का, और मेरे सीधे हाथ पे होगा जो सारा स्मॉल एनिमल विंग रहेगा। तो सर्जरी रूम वगैरह जो उनके हैं वो इस साइड है। यहाँ पे कैटल क्रश बनेंगे भाई, जहाँ पे गाय बंद जाएंगी, रुक सकती है, क्योंकि यहाँ पे ओपीडी भी होगा, लोग भी अपने पशु यहाँ पे ला सकते हैं। हम अभी फार्म पे भी 50 रुपये का एक नॉमिनल कंसल्टेशन फी लेते हैं और उनका इलाज करते हैं। इस समय अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लास्टर हो रहा है। तो हमने क्या किया कि टाइल का खर्चा बचाने के लिए ना, जैसे DDA फ्लैट्स में आप देखेंगे कि दीवारें बाथरूम में ऐसे चिकनी रहती हैं, तो हमने 3 फीट तक हमने दीवारों को चिकना रखा है ताकि हम आराम से वॉश कर सकें। फर्श पे भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे केनल्स के हमने 3 अलग अलग विंग्स बनाए हैं भाई, बड़े सारे डॉग्स एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना हो ताकि भाई हल्ला ना मचे। यहाँ पे हमारी छत का काम चल रहा है, तो ये जो बन रहा है इसको ट्रस या हम कैचियाँ कहते हैं, ये बन रही है। इसके ऊपर आएगा बोर्ड, आएगा इंसुलेशन आएगी और सबसे टॉप पे आएंगे स्लेट। कैनल्स हमारे फार्म जैसे ही हैं। एक इंडोर रूम है, बेडरूम जहाँ पे डॉग्स सोएंगे, और फिर उनके पास आउटडोर एरिया है भाई, अपना पी करना है, पू करना है। ये जो सारा है यूटिलिटी एरिया है, तो जैसे किचन यहाँ पे हो गई, लॉन्ड्री यहाँ पे हो गई, और इसके बीच में यहाँ पे ग्लास विंडो आएगी ताकि इन डॉग्स पे बराबर से नज़र रहे। ये हमारे दो कैनल के विंग और हैं, एक अंदर है एक बाहर है। तो मेरे लेफ्ट पे इस समय जो है ना, ये हमारा रेस्क्यू इक्विपमेंट रूम रहेगा कि भाई जो सारे नेट्स हैं, कैचर्स हैं, केजेस हैं, वो यहाँ पे रहेंगे। अस्पताल के सामने ही पार्किंग है कैमरे के ठीक पीछे, और यहाँ पे रेस्क्यू व्हीकल होगी। कोई रेस्क्यू कॉल आती है यहीं से व्हीकल डिस्पैच होगी, और जो हमारे कैनल्स का बाहर वाला विंग है यहाँ पे सीधा आके फर्स्ट एडमिशन होगा जो भी एनिमल आया होगा। तो अब देखते हैं, अगर हमें आप लोगों की बराबर से सपोर्ट मिलती रही जिस तरह से मिल रही है, तो 11 और महीने में हम इस अस्पताल को शुरू कर देंगे। इसकी कुल कैपेसिटी 90 से लेकर 100 पेशेंट्स की होगी। एक बात जो मैं और करना चाह रहा था ना, वो ये था कि भाई अगर मुझे पीपल फार्म शुरू करने से पहले पता होता कि पीपल फार्म इस तरह का हो जाएगा, भाई 50 लोगों की टीम होगी, हम अस्पताल खोल रहे होंगे, हम रेस्क्यू चला रहे होंगे, साथ ही में मीडिया भी होगा, साथ ही में प्रोडक्ट्स भी होगा, इतनी कम्युनिकेशन होगी, तो शायद मैं ये शुरू ना करता। क्योंकि जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, वो बड़े स्टेप से डर जाते हैं। लेकिन अगर हम सपना देखें भाई, कुछ करना है तो बड़ा ही करना है, और नेचर मेरे जैसी है, तो फिर हम अटक जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं करते। तो मेरे जैसे लोगों को ये करना चाहिए कि जो हमारे बस में है ना, जो सामने दिख रहा है वो कर लेना चाहिए। भाई ये डॉग दिख रहा है, इसको चोट लगी है, हमारे बस में है कि कोई कॉटन ली, बीटाडीन ली, उसका वुंड साफ कर दिया। भाई एक बैल दिखा, घर में जगह नहीं है, भाई चलो तरपाल लगा के ट्रीटमेंट कर दिया। तो पहला कदम ले लेना चाहिए, और फिर राम जी की कृपा से आगे का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा।